के पास अब तक तो AK-47 थी, अब उनको मदद मिल गई है। वो है AK-49। ये AK-49 ने अभी अभी एक पार्टी को जन्म दिया। उनकी पार्टी की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने जो नक्शा रखा है उसमें कश्मीर उन्होंने पाकिस्तान को दे दिया है। ये तीसरे AK-49 के एक सिपाही सलार है, उनके बड़े साथी, वो चिक चिक करके कह रहे हैं जनमत संग्रह होना चाहिए और पाकिस्तान इनके बयानों से नाच रहा है। पाकिस्तान के अखबार भरे पड़े हैं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन। आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहाँ की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहाँ पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। हम लोग शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि भाई इसका कोई रैशनल नहीं है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को वहाँ लगाने का। वहाँ के मेजॉरिटी लोग इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहते हैं तो फिर बना ले। विनायक सेन का नाम सब लोगों ने सुना। विनायक सेन को जिस दिन सजा हुई, उनको सजा हुई सेडिशन के चार्जेस के ऊपर, तो मैंने IPC उठा के देखा कि ये सेडिशन होता क्या है। तो IPC की धारा 124A में सेडिशन डिफाइंड है, राजद्रोह डिफाइंड है। उसमें लिखा है कि सरकार से घृणा करना और सरकार के खिलाफ घृणा फैलाना राजद्रोह है और उसके लिए आजीवन कारावास हो सकती है। देश से घृणा करना राजद्रोह नहीं है, कानून में लिखा है। सरकार से घृणा करना राजद्रोह है। मैं अव्यवस्था फैला रहा हूं, मैं मानता हूं कि मैं एनार्किस्ट हूं। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन, जिस कश्मीर के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, जिस कश्मीर के लिए युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान शहीद हुए, उसके लिए पाकिस्तान की भाषा बोल रहा।